The Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज सुबह से ही बड़ी सारी खबरें, डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं और इन डेवलपमेंट्स के साथ बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से लाहौर लिबर्टी चौक से जो लॉन्ग मार्च का कारवां अब रवा नजर आ रहा है, उसकी आखिरी मंजिल क्या होगी और इस लॉन्ग मार्च का आखिरी हासिल उसूल क्या होता हुआ दिखाई देगा। हमने ये भी देखा कि कल हुकूमत काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई और खान साहब के पास इस लॉन्ग मार्च में क्या कुछ गेन करने के लिए और क्या कुछ लूज करने के लिए, हुकूमत इस वक्त किस जगह पे खड़ी है, आज इन्हीं मामलों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तीन बड़ी खास और सीनियर जर्नलिस्ट, मैं तारुफ कराता चलूं। सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा जनाब जहांगीर सैयद साहब का, जो कि सीनियर साफी तजियाकार है, इनका ताल्लुक कराची से। साथ में ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब इस्लामाबाद से, सीनियर जर्नलिस्ट है, और साथ में ज्वाइन करेंगे हमें कामरान साकी साहब लाहौर से। कामरान साकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, आप लाहौर में बैठे हुए, इस वक्त लाहौर की फिजा कैसी है, जरा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, फिजा उस कदर तो गर्म नहीं है जैसे हमने माजी में देखा था। उसकी शायद वजह एक ये भी है कि कहीं किसी को मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा, और क्योंकि पंजाब के अंदर इमरान खान की पार्टी की अपनी हुकूमत है या उनकी इत्तेहादियों ने मिलकर बनाई है, तो वो इस वजह से भी उन्हें यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आपको पता है हल्ला गुल्ला और चीज़ें और शोर शराबा तब होता है जब आपको किसी तरफ से जो है वो पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है, या पकड़ तकड़ हो या कहीं कोशिश की जाए को कंटेनर्स लगाए जाएं। ये तो पूरा रास्ता खाली है, और आज अभी मैं कुछ देर पहले लिबर्टी चौक भी विज़िट करके आया हूँ, कलमा चौक, माल रोड, हाल रोड, अनारकली और मुख्तलिफ साइडों से मुल्तान रोड, और वहाँ से चक्कर लगा के आए हैं। आई तो मामूल से भी बहुत कम जो है वो ट्रैफिक रोड्स पे नज़र आई है, सवाए इचरा के करीब एक पीटीआई के रहनुमा के घर के बाहर कुछ रश था, और लिबर्टी चौक के अंदर यकीनन कुछ लोग मौजूद थे जो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो आगे रवाना होने के लिए, बल्कि हो चुके थे तब, तो वो तो हो चुके थे और अब वो जो है वो गामजन है। लेकिन ये अभी बहरहाल एक मेरी राय है, उसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उतनी बड़ी तादाद नजर नहीं आती, उतनी बड़ी तादाद नजर नहीं आती। रिजवान साहब ये जरा बताइएगा कि तादाद की कमी इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई कंसर्न होगा, क्योंकि लाहौर बात करें तो एक वक्त में शहबाज शरीफ साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का घर समझा जाता था। आज तरीके इंसाफ ने जो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज किया वो लाहौर से किया, और सही है काफी सारे तजियाकार इसको इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि जितनी बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही थी फिलहाल उतनी बड़ी तादाद नजर नहीं आई लाहौर के हवाले से। देखिये, लाहौर से इतनी बड़ी तादाद की शिरकत की वजह ये नजर आ रही है कि बेसिकली अभी आज लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा नहीं होगा, ये लोकली अंदरूनी शहर ही फिरेगा, दादा दरबार से होता हुआ ये शाहदरा जाएगा, और शाहदरा से फिर इसने आज़ादी चौक के ऊपर ख़त्म हो जाना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता है कि क्योंकि अभी इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना, और वो लोगों की जो है ना वो शमूलियत नज़र नहीं आ रही। तो क्यों आपको नहीं लगता कि तरीके इंसाफ शायद चाहती होगी कि शुरू से बिल्डअप करे, या तरीके इंसाफ की भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि फौरी तौर पे इसका बिल्डअप ना हो और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे? देखिए, एक स्ट्रेटेजी, मुझे एक स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, स्ट्रेटेजी इस हिसाब से नजर आ रही है, एक मतलब इस हिसाब से नजर आ रही है कि खान साहब शुरू में यही शो ऑफ करवाना चाह रहे हैं कि आस्ता आस्ता इसको बिल्डअप किया जाए ताकि वफाकी हुकूमत उस हिसाब से तैयारी करे, और खान साहब शायद कोई सरप्राइज दे दें उन्हें मास गैदरिंग से। और जागीर साहब, आप बताइएगा कि क्या खान साहब इस वक्त मौजूदा हुकूमत को सरप्राइज देने की किसी भी तौर पर पोजीशन में नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, वो जो है वो फास्ट बॉलर हैं और उन पर स्विंग भी आती है, वो जो है बाउंस भी करते हैं, सारी चीजें, तो वो सबसे ज्यादा जिस बात पर जो है भरोसा करते हैं वो ये है कि कोई ना कोई सरप्राइज दे दिया जाए बैट्समैन को, और सरप्राइज का गेम ही वो बहुत खूबसूरती से खेल रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अपने ग्राउंड की सिचुएशन और सूरत हाल है वो कुछ ऐसी ठीक नहीं है, पिच भी ठीक नहीं है, आउट जो है वो ग्राउंड पे जो है सब ठीक नहीं है, उसकी वजह ये कि कॉन्सिक्वेंटली कुछ ऐसे हादसा हुए हैं जिसने लोगों को सोचने पर ये मजबूर किया है कि ये कामयाब होगा नहीं होगा, क्या खतरे होंगे, क्या खून खराबा होगा, कि जैसे क्या होगा। लोग भी तमाशाई हैं और वो भी तमाशा देख रहे हैं कि जहाँ भी कोई चीज़ बूस्ट होती है, बिल्डअप होती है, तो भी ये स्टेप लिया जाएगा। तो जानी साहब, गेंस क्या है इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ के नजरिए से देखें, गुज़िश्ता दो से तीन दिन बहुत कुछ हुआ, आखिर हासिल उसूल आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है खान साहब के पर्सपेक्टिव से? आप
बहुत से चारों तरफ से वो बड़ी क्लोज फील्ड उनके पास है, लेकिन एक चीज वो जरूर दिखाना चाहते हैं और वो भी प्राइम कार्ड है उनके पास कि वो ये ताकत दिखा सकें कि सारी कुव्वतें एक तरफ है लेकिन अवाम की कुव्वत क्या है उनके नुक्ते नजर से। अगर अवाम मोबिलाइज होते हैं, उनके साथ होते हैं, खड़े होते हैं, तो बड़ा से बड़ी कुव्वत हो जो सियासी हो गैर सियासी हो, ये सोचने पे मजबूर होती है कि अवाम की कुव्वत से नहीं खेला जा सकता, सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए वो एक ही अपने मसल्स को जो दिखाना चाहते हैं वो ये है कि अभी वो जो है वो उनके मसल्स थके हैं और ना ही ऐसा कुछ नजर आता है और वो आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। मसल्स की आपने बात की, साकी साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा। जाकिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। साकी साहब, आपको लग रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा सीनियर लीडरशिप इस वक्त लाहौर में मौजूद है, गालिबन शेख रशीद साहब ने भी आज लाहौर से इस लॉन्ग मार्च का आगाज किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मसल्स दिखाने में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई या एक ऐसे विजुअल्स क्रिएट करने में कामयाब हुई जो शायद मौजूदा गवर्नमेंट को परेशान कर सके? नहीं, अभी तक ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती। बहरहाल ये अगर इस जगह पे सूरत हाल नजर आती तो हमें आगे उम्मीदें इससे जो है वो उनके अपने कारकुनान को लगाने में आसानी होती। गुजरांवाला गुजरात, जहाँ जहाँ से ये झेलम और मुख्तलिफ जगह से लोग इसमें जो काफ़िले में शरीक होंगे उन्हें को उम्मीदें नज़र आती कि पीछे से एक बड़ा काफ़िला आ रहा है और अब हमें उसमें जो है वो जिस तरह से भी वो शामिल होना है और इस्लामाबाद तक पहुँचना है जहाँ पर भी उनका पड़ाव होगा। पुरमन रहें ना रहें, डी चौक की तरफ जाएं या उनका जो है वो कोशिश हो कि रेड जोन में दाखिल होना है, ये बड़ी बात की बातें हैं। लेकिन ये उम्मीदें और चीज़ें आप तब से लगाना शुरू करते हैं जब आपका लीडर एक जगह पे इस मार्च को या लॉन्ग मार्च माजी में भी जो हैं उन्हें ज्वाइन करता है, तो उसके साथ अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र नहीं आते तो लोग मायूस हो जाते हैं, लोग धड़ों बंदियों का शिकार हो जाते हैं, डबल माइंड हो जाते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं यार चलना कि नहीं चलना, हम अपनी रोटी रोजी छोड़ते हैं। साकी साहब, आपने धड़े बंदियों की बात की, आज से दो रोज पहले हमने देखा कि फैसल वाडा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी की जानिब से, उनको एक नोटिस भी सर्व किया गया। इसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप एमपीएस का जो ग्रुप था उसकी जानिब से भी ये कहा गया कि वो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं। सुबह अलग सुबह ये देखने में आया कि मुस्लिम लीग नून के डिजिटल के जो फोकल पर्सन है उन्होंने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली, तो दोनों अतराफ से लोग टूट भी रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, ये सूरत हाल कुछ नई नजर आ रही क्या? देखिए, ये हमेशा से ही होता है। आपने सबका लॉन्ग मार्च जो आज़ादी मार्च के नाम पे था उसमें भी देखा कि लोग बहुत सारे काफिले में शरीक भी हुए और अलग भी हुए। इस्तीफे के मामलात के अंदर भी आपने देखा कुछ इधर से टूटे कुछ उधर से टूटे। कल की मेरी नज़र के अंदर कल की जो दो अहम शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक बड़ा आइंदा के सियासी जो मामलात हैं उनके ऊपर असर नज़र आता है और उसका डर भी यकीनन जो भी चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या पीटीआई या अपोजिशन की जानिब से हो जो भी वायलेंस की तरफ जाएगा। आपको लगता है फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने डेंट पहुंचाया इस तहरीक इंसाफ के मार्च के इब्तदाई को कम से कम, या पहुंचा सकती है? देखिए, आपका एक भी शख्स जो है वो कोई नाराज होता है, नाराजगी का इजहार करता है या अलग होता है, उसका बहरहाल असर पड़ता है। और कोई एक MP MNA का मतलब एक MP MNA नहीं होता बल्कि उसके पूरे हलके के लोग हैं, उसकी सपोर्टर्स हैं और उनके आगे बहन भाई मुख्तलिफ हलकों के अंदर बैठे हैं। और उस MP MNA ऐसे ही कोई मेरी तरह का शरीफ आदमी नहीं बन जाता, पूरा एक हल्का अहबाब होता है, उनका सेटअप होता है, लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, पार्टी के लोग होते हैं, हम ख्याल लोग होते हैं, हम ख्याल ग्रुप्स होते हैं, तो यकीनन ये चीज़ें असर करती हैं। लेकिन उससे भी बड़ा असर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो उन DGs की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है कि उसका असर ज्यादा कर गई। आप ये मतलब इदारों के जो सरबराहान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने एक बड़ा डेंट किया। रिजवान साहब, आपको भी ये ऐसे लगता है? नहीं, मैं थोड़ा सा कामरान साकी साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। ये एक प्रोसेस होता है, सियासी प्रोसेस होता है, जिस वक्त भी महसूस होता है कि इंतखाबात जिस वक्त भी ये थोड़ा सा एक इम्कान पैदा होता है कि इंतखाबात होने का चांस है या कोई जो है ना वो सियासी पोजीशन ऊपर नीचे होने का चांस है, तो फिर उस टाइम ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि बहुत सारे लोग पार्टीज छोड़ते हैं और बहुत सारे लोग पार्टीज ज्वाइन करते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो अवाम में मकबूलियत के हिसाब से खान साहब इस वक्त
ज़्यादा बेहतर है। हम ये नहीं कह सकते कि जो इलेक्टेड पहले से MNA या MPA हैं उनके हिसाब से शायद उनकी आवाम भी उसी तरह सोच रही हो, ये रिजवान साहब अगर इस चीज को क्लियर कर दें, अगर मैं तहरीक इंसाफ की सियासत को देखूं तो तहरीक इंसाफ का जो सबसे मैसिव पुल है वो खुद खान साहब की शख्सियत है, खान साहब की जात है। इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ से फसल वाडा को माइनस कर दें या कुछ MPs को फिल वक्त माइनस कर दें, क्या वो इतना वेट रखते हैं कि तहरीक इंसाफ में खान साहब की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें ओवरऑल, उसको डेंट पहुंचा सकते हैं या खान साहब के मौकफ को डेंट पहुंचा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई डेंट पहुंचेगा खान साहब को, नहीं पहुंचेगा। जावेद साहब आपका क्या कहना होगा इस सवाल से? अपनी शख्सियत है, लोग उसको आवाम उसको पसंद करते हैं। जावेद साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जी जावेद जी जी जावेद साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? निगार ने दोनों ने जो है वो ज़मीनी हकायक से तो जुड़े थे, लेकिन मसला ये है कि हर सूरत में इमरान खान साहब को ये जरूर दिखाना है कि जंगी साहब आपकी गालिबन आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। जी ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस सवाल से मजीद गुफ्तगू भी करेंगे कि इस वक्त जो तमाम तर सियासी जद्दोजहद दिखाई दे रही है इसके पीछे के असल मकासद क्या है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लॉन्ग मार्च एक्सपेक्टेड जो जिस तरह से दिखाई दे रहा था वैसे चलता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च की आखिरी मंजिल क्या होगी? तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि माजी में बड़े सारे लॉन्ग मार्चेस हुए लेकिन उन लॉन्ग मार्चेस की रोशनी में कोई बड़ी तब्दीली आज तक हुई ना, पाकिस्तान इस तमाम सूरतहाल से मुस्तस्ना दिखाई नहीं देता। और ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दो सूबों में अपनी हुकूमत हो और फिर वो लॉन्ग मार्च की तरफ निकले तो ये भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत को डीरेल करने के लिए संजीदा है तो क्यों मौजूदा असेंबलीज में अपनी हुकूमत को बरकरार रखे हुए हैं? रिजवान साहब आपसे जरा शुरू करते हैं, तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ऑप्शन क्या नजर आ रहे हैं? लॉन्ग मार्च हो रहा है, लॉन्ग मार्च की एक तारीख है पाकिस्तान में, लॉन्ग मार्च से आज तक पाकिस्तानी तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता कि कुछ बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की गई हो, किसी की रिस्टोरेशन किसी की बहाली अलग बात है लेकिन हुकूमतों का तब्दील हो जाना शायद ये कुछ नया हो सकता है जो इस वक्त होता है दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बेसिकली लॉन्ग मार्च का हमें ये देखना पड़ेगा लॉन्ग मार्च करने की वजह क्या है, उसके मकासद क्या है। लॉन्ग मार्च करने की मेन वजह यह है कि खान साहब ये चाहते हैं कि जो ये जो हुकूमत उनकी गिराई गई, हुकूमत चेंज की गई, खान साहब ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई, उसकी कोई चार्ज शीट नहीं समझते वो, कोई उसकी वजह थी। अब लॉन्ग मार्च करने का मकसद यह है कि खान साहब का, हमें इसको असल में समझना पड़ेगा कि लॉन्ग मार्च का मकसद खान साहब का यह है कि आप अगर एक चीज ऐसी जो हो चुकी है उनकी हुकूमत गिराई गई है और उनके ऊपर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया पाकिस्तान के इक्तदार पर, तो खान साहब चाहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ें आगे बढ़ें और अवाम को अब ये मैंडेट दें कि अवाम क्या चाहती है। अवाम अगर चाहती है कि यही लोग रहें तो वो लोग हुकूमत के अंदर आ जाएं, और अगर अवाम चाहती है कि उससे बेहतर। लेकिन रिजवान साहब क्या अवाम की चाहत का तयन किसी भी लॉन्ग मार्च से किया जा सकता है? माजी में बड़े सारे लॉन्ग मार्चेस हुए, गालिबन तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च किया, बहुत बड़ा धरना किया, उससे भी उस वक्त खान साहब को कुछ मेजॉरिटी में हासिल ना हुआ, कोई जो मुतालबात उनके थे वो हासिल ना हो सके। लेकिन आप अभी ये बात भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि खान साहब की सूबाई हुकूमतें हैं दो, और आजाद कश्मीर में हुकूमत है, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन मैं इसी तरफ आ रहा था रिजवान साहब, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ये बताया ना कि खान साहब के पास सूबाई हुकूमत है, आजाद कश्मीर में उनके पास एक पोजिशन मौजूद है, क्या ये ऑप्शन नहीं है तहरीक इंसाफ के पास कि अपनी सूबाई हुकूमत को तहलील कर दे और हुकूमत को मजबूर करे कि वो इंतखाबी अमल की तरफ आगे बढ़े?
मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अभी ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन यूज करने का उनको ये अभी जो है ना नुकसान हो सकता है कि अगर वो हुकूमत तहलील कर दें तो वो लॉन्ग मार्च किस पैसे से गुजार कर इस्लामाबाद तक जाएंगे। अभी उनकी अपनी हुकूमत आप देखें पंजाब के अंदर अब बिल्कुल ईजी होके ये लॉन्ग मार्च का स्टार्ट किया गया, इसमें कोई उनको जल्दी नहीं नजर आ रही क्योंकि उनको कोई रुकावट नहीं है पंजाब के अंदर। ठीक हो गया जानवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि खान साहब काफिला लेके निकल तो चुके हैं और गालिबन 4 तारीख तक वो इस्लामाबाद भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद एहतजाज भी किया जाएगा, लेकिन वहां से लेके क्या निकलेंगे एक बड़ा सवाल है। सबसे अहम बात ये है जो अगर इस हवाले से बात की जिस तरह कहा कि उनके पास के ऑप्शन थे, एक जो है वो सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात होती है सियासत में वो उनके खिलाफ जो है वो चला जा चुका है, वो पत्ता ये कन्फ्यूजन फैलाते हैं हर जगह, उनके इनर साइड पे देखें उनकी पार्टी में देखें तो स्प्लिट नज़र आता है, मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, अगर बाहर देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जिस रास्ते पे गए थे, जो चीज़ उन्होंने हमसे ली थी, जो हमारे कंधे में बैठ के उन्होंने सफ़र किया था, अब उसे हमें ही गालियाँ दे रहे हैं, और लोग भी तो ये सोचते हैं ना। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने जज्बा और जोश खरोश बनाया था कि वो हर सूरत में आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर अब उन्होंने एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लिया है कि हम वहाँ जाएंगे तकरीर करेंगे, हम कोई रद्द अमल नहीं देंगे। जब तक कि रद्द अमल की कहानी थी तो लोग ये समझ रहे थे कि ये मुजाहिद आगे बढ़ रहा है और वो चीज़ें कर रहा है जो आज तक नहीं की, और उन ताकतों को चैलेंज कर रहा है जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। लेकिन जानवी साहब एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि खान साहब गुज़िश्ता 5-6 माह से मुख्तलिफ जलसे कर रहे थे, मुख्तलिफ तकारीर की, और रोज के मामूल पर हम देख रहे थे खान साहब टेलीविजन स्क्रीन पर आते थे, बड़ा जलसा करते थे, सक्सेसफुल भी थे तमाम तो जलसे, ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त खान साहब को आवाम को बताने के लिए नया क्या मौजूद है, क्योंकि अगर वही तकारीर होनी है वही सारी गुफ्तगु होनी है तो आवाम को किस तरीके से खान साहब इंगेज रख सकेंगे। बदकिस्मती है ना खान साहब की, हर चीजें थोड़ी सारे पिलर थोड़ी हिलाए जाते हैं, एक तरकीब होती है, एक सलीका होता है, आहिस्ता जो है आपका आप मद्दा लेके आगे बढ़ते हैं, लोगों की हिमायत करते हैं, उनकी जानों का खतरे की बात की जा रही है, उन खराबे की बात की जा रही है, जिनको और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो उनको उम्मीद ये है कि इस प्रेशर के नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर फैसले करने वाली कुव्वत जो है वो उनके काबू में आ जाएंगी। कल की तकरीर तो ऐसा लगता था कि वो खुद भी पूरी तौर पर तैयार है इस बात को कि ये चीज़ ख़त्म हो और जो है अमन व अमान कायम हो, और बिल्कुल चैलेंजिंग वादे अल्फाज में तो कहा गया कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए इनसे गलती ये हुई है कि इन्होंने 4 मुखी नहीं 12 मुखी खेल लिए, किस किस का कहाँ कहाँ मुकाबला करेंगे आप, उसको इनको रीऑर्गेनाइज होने के लिए, रिविजिट होने के लिए, रिव्यू करने के लिए इनको टाइम चाहिए, अंदर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसमें, वरना ये बहुत लूजर होंगे। मुमकिन है कि इनकी टीम जो है वो इसे टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए। ये बड़ा आपने वैलिड सवाल उठाया है, मैं जानी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, साकिब साहब ये सवाल बड़ा वैलिड है क्योंकि इस वक्त इंतशार की टूट फूट की बातें तो हमें तमाम तर सियासी जमातों से नजर आती हैं, लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यहां से निकल के इस्लामाबाद पहुंची और वहां पे कोई एक बंद गली में दाखिल हो जाती है तो तहरीके इंसाफ का इंटरनल स्प्लिट्स जो है वो खुल के सामने आएंगे, ये भी एक डर होगा तहरीके इंसाफ के लिए, या तहरीके इंसाफ इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि नहीं कुछ भी हासिल ना हुआ तो कुछ ना कुछ हम इतना लेके जरूर निकलेंगे कि हमारी जो मौजूदा पॉलिटिक्स है वो परवान चढ़ेगी। ये सूरत हाल उन्हें जेलम हम के फोर्स से मुरादी है कि अवामी अवाम उनके साथ है, ये उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि तब तक काफ़िले जो है वो KPK से भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे, और जेलम का पुल बड़ा अहम है और बड़ी अहमियत तारीखी रखता है ऐसे लॉन्ग मार्च के लिए, तो ये उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। अगर उन्हें अंदाज़ा हो गया कि पुल क्रॉस करने के लिए एक डाला ही काफ़ी है और वो उन्हें गुजरने नहीं दे रहा या उन्हें कोई रुकावटें आगे सामने आएंगी तो ये बिखर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोई इज्जत वाला पैसेज इन्हें निकले जिससे इनके अगले इलेक्शन के अंदर साख जो है वो कम से कम हो, कुछ वादे हो जाएं जैसे माजी के अंदर हमने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर दे, यानी समझ लें कि आप सियासी शहादत लॉन्ग मार्च की किसी तरह से हो जाए। तो साक्षात एक सवाल, ये थ्योरी है, ये कहा जा रहा है कि गालिबन आज से 6 माह का वक्त, साक्षात एक सवाल ये है कि 6 माह खान साहब ने लगाए, शायद ये जो एहतजाजी तहरीक का आगाज आज से 2 या 3 माह पहले कर दिया जाता जब उनका वोटर सपोर्टर गालिबन और ज्यादा चार्ज था, शायद नतीज कुछ बेहतर हो सकते या कम वक्त में ज्यादा कुछ हासिल कर सकते खान साहब।
देखिए साइंस खान साहब के टीम, हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं उनके नज़रियात से, उनकी मशावरत से, लेकिन ये बुरा वक्त नहीं है क्योंकि आपको अपनी पार्टी को इंगेज करना होता है। आप उस वक्त होते, लोग चार्ज होते उस वक्त। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे की बात करें तो आपको पता है कि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत नहीं थी, उन्होंने बड़ी गलती की और राणा सनाउल्ला जैसे वजारत दाखिला, वजीर दाखिला होते हुए जिसके मतहत पुलिस और इंतज़ामिया हो, आप ये सोच नहीं सकते कि वो किसी तरह से भी आपको, अगर वो नहीं चाह रहा या अगर कोई और तीसरी ताकत भी नहीं चाह रही कि आप इस्लामाबाद तक आएँ, तो मैंने जैसे जेलम के पुल की जिक्र किया, आप रावी का पुल भी क्रॉस नहीं कर सकते थे। ये टाइमिंग ज़रूर अहम है क्योंकि जैसे अभी एक दोस्त ने भी कहा कि तीन जगह पर आपकी हुकूमत है, वहाँ से काफ़िले लाने में आपने ट्रांसपोर्ट को पकड़ दकड़ करनी है, नॉमिनल रेट्स के ऊपर लोगों को लेके आना है, लोगों को ये ज़हनी तौर पे, क्योंकि ये बेसिक, इससे भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि एक मम्मी डैडी या सोशल मीडिया के जैसे उनके बारे में तासुर है कि ये लोग हैं, ये डंडे खाने वाले नहीं हैं, तब्दीली के लिए वोट दे सकते हैं, चुपके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के कंपेन्स अपनी शनाख्त को हाइड करके लगा सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जलसे जुलूसों में नारे लगाना, मार खाना और इतने लंबे अरसे तक, गालिबन 7-8-10 दिन या 15 दिन तक ये मजबा वहां पे इस्लामाबाद रहे, सस्टेन करे, ग्रो करे, ये भी एक बड़ा मुश्किल पहलू होगा तहरीक इंसाफ की क्यादत के लिए, ये भी आसान मरहला नहीं होगा। माजी में यह तब रहा क्योंकि आपके साथ मजहबी जमातें थी, चाहे वो TLP की सूरत में थी या कादरी साहब की सूरत में थी, ये माजी में थी और उनकी, आपको पता है कि आपने किसी को मजहब के नाम पे, ये इस्लाम नहीं बाकी मजाहिब में भी है, आपने कह दिया कि आपने यहाँ पे कफन पहन के खड़े रहना है तो वो लोग अकीदत और मोहब्बत से खड़े रहते हैं। सियासी कारकुन का बड़ी मुश्किल होता है कि बिल्कुल रिजवान साहब ये भी बताइएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो यकीन तौर पर एक बड़ा चैलेंज है, हुकूमत इसको किस अंदाज से देख रही है, ये सरों की जंग नहीं, ये क्राउड की जंग नहीं, ये आसाब की जंग नजर आती है। माजी में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में आसाब की जंग हमेशा हुई, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है आसाब की जंग को कौन जीतने में कामयाब हो जाए, किसको इसमें बढ़तरी हासिल है? इससे पहले मैं कामरान साकी साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। कामरान साकी साहब जो कह रहे हैं कि ये एक जमात का है, मुझे नहीं लग रहा कि ये जमात का मामला है, पूरी कौम जो है महंगाई से अफेक्ट है, पूरी कौम परेशान हुई भी है, सर साढ़े तीन साल में क्या डिलीवर किया, सियासी जमात के कारकुन शमूलियत नहीं है इसके अंदर खाली, मैं आप बात कर चुके, मुझे करने दें बात आप, कि सियासी जमात के खाली कारकुन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें आवाम की भी एक जो है ना बिल्कुल एक बड़ी तादाद जो है इसको सपोर्ट कर रही है लॉन्ग मार्च को। तो इस सपोर्ट का मटेरियलाइज होना भी तो जरूरी है ना रिजवान साहब, ये सपोर्ट सड़कों पे नजर आनी चाहिए और ये सपोर्ट मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी एक सरदर्द बननी चाहिए, आसाब पे हावी होनी चाहिए। आप इस मेरी बात का बुनियादी नुक्ता ये देखें कि आज लॉन्ग मार्च बेसिकली एक हरकत में आया है लेकिन वो लोकल तौर पर फिर रहा है, लॉन्ग मार्च अभी बाकायदा स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा फिर हमें इसकी ज्यादा वाजे सूरत हाल नजर आएगी। तो आप बताइए रिजवान साहब की आसाब की जंग कैसे खान साहब जीत सकते हैं? मुनीर साहब एक बात और भी इसके अंदर रहती है जो जिसको लाजमी डिस्कस करना जरूरी है हमारे टॉपिक के लिए, वो ये कि जो कामरान साकी साहब फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर कुछ दिन ये ठहरेंगे उसके बाद ये बिखर जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने जो आपको पहले अपनी बात कही कि जो सूबाई हुकूमतों को डिसॉल्व करने का और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को डिसॉल्व करने का ऑप्शन है, ये खान साहब उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उनको नज़र आएगा कि अगर ये लॉन्ग मार्च उस तवक्कात पे पूरा नहीं उतरा या उतने लोग नहीं आए, फिर वो इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन रिजवान साहब अभी जरा समझाने के लिए बताएं, खान साहब का एक इकलौता मुतालबा है कि वो चाहते हैं इलेक्शंस की तारीख, इलेक्शंस की तारीख अगर खान साहब को नहीं दी जाती तो वो क्या चीज होगी जिससे कम पे खान साहब राजी हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि खान साहब दो चीजों के अलावा किस चीज पर राजी होंगे, एक तो वो ये चाहते हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मुस्ताफी हो जाए और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल शफाफ अंदाज में अपना काम करने का एक सामने नजर आए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आजादाना और बिल्कुल जो है साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगा, और इसके अलावा इलेक्शन की डेट से कम पर ये मामला मुझे नहीं नजर आते कि ये पीछे हटेंगे। तो आपको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ में वापस आना है तो दोनों चीजों को हासिल करके आना है, वरना तहरीक इंसाफ के लिए वापसी का दरवाजा नहीं है?
यही मैं समझ रहा हूँ? बिल्कुल जहांगीर साहब, आपको क्या लगता है कि तहरीके इंसाफ जो रिजवान साहब फरमा रहे हैं कि ये दो मुतालबात तहरीके इंसाफ वापस लेके आना चाहेगी, इनको हासिल करके आना चाहेगी, कामयाबी की कोई सूरत तहरीके इंसाफ के पास है? और दूसरी जानब मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा ना कि अगर तो खान साहब एक बड़ा क्राउड लेके इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और यकीन तौर पर केपीके से भी क्राउड आएगा, आजाद कश्मीर से भी आएगा, फिर पंजाब का जो उनका सपोर्टर वो भी चार्ज होगा, सिंध से भी काफिले चलेंगे, तो अगर तो ये हो गया कि खान साहब बड़ी तादाद लेके पहुंच गए तो हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या रहेंगे? क्योंकि अगर फौज को बुलाने का मामला हो तो फौज अपने लोगों को तो के ऊपर तो गोली नहीं चलाएगी, फौज तो अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वहां पे होगी, वो तो अमन अमान को बरकरार रखने के लिए होगी। उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि वो सियासी अमल में किसी तौर पर मुदाखलत नहीं करेंगे। जी मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारे तर्जे निकार है ये इनका जो लहजा कुछ सियासी जमात के नुमाइंदों का सा हो जाता है, फिर इनकी दलाइल वो मदद नहीं रहता, इसलिए या तो अगर ये सियासी जमात से एफिलेटेड है तो इनको इजहार करना चाहिए कि मेरा ताल्लुक ये है और मैं ये बात करना चाहता हूँ। अब हम यहाँ तर्जे निकार बात कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि जो हम दलाइल दे रहे हैं तो उसकी हैसियत दोनों तरफ क्या है। ज़ाहिर है कि जो मुतसादिम सूरत हाल है उसमें दोनों के कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ कामयाबी के इम्कान होंगे। सदर सनाउल्ला साहब भी ये सोच रहे हैं कि वो जब कितना बड़ा उन्होंने वो एक जंग व जलल का माहौल पैदा कर लिया है तो उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन सामने कौन लोग हैं। और दूसरे ये है कि वो भी ये समझते हैं कि अगर हम पहली दफ़े डर गए और ये बैकफुट पर जाना पड़ा तो फिर ये कभी कामयाब नहीं हो सकेगी, लिहाजा ये भी बड़े फुटवर्क के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इमरान खान और जो इनका पहली दफ़ा ये मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान के जोश व खरोश में लहजत की हद तक तो रह गया है वो जोश व खरोश, लेकिन जो आपको प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है चारों तरफ से वो बहुत अहम है। अगर वो लेकिन पहला कदम फैसला करता है मंजिल के तयन का कि कहाँ पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। एक हफ्ते का गैप, 5 घंटे के फासले से एक हफ्ते का गैप ये देखने के लिए, तोलने के लिए है कि हमें कितना हम कामयाब हो सकेंगे, वरना तो ये घर से निकलेंगे नहीं। इसलिए नहीं निकलेंगे कि वो ये देखेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि पहले ये देखें कि अवाम में जोश आया नहीं आया, अभी का राज नहीं आया तो आज तो भाव गिर गया है, अब ये कल का भाव खुलेगा कि भाई कल क्या है अगर सूरत हाल होगी, वरना ट्विस्ट करने में क्या लगता है। लेकिन जानवी साहब माजद कथा कलामी की, हमने माजी में देखा है कि लॉन्ग मार्चेस वैसे इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन जब हुकूमतें रिटेलिएट करती हैं, हुकूमतें रिएक्ट करती हैं तो फिर क्राउड एक चार्ज होता है और फिर एक आम आदमी की सिंपथीज भी उसमें शामिल हो जाती है। आपको लगता है मौजूदा वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह जी जानवी साहब कामरान साहब ने एक अच्छी बात की, यहाँ का आप पूरी बात कर लें फिर मैं हवाला दूंगा। इन्होंने कहा कि ये जो अब चार्ज होने की बात है ना, ये जो मजमा है, ये जो क्राउड आएगा, जो मॉब आएगा, ये लाठी चार्ज को बर्दाश्त कर सकेगा? ये नहीं कर सकेगा। और ये चीज़ का इसका तजर्बा इनका नहीं है, वो लंबे लंबा एक आप हजब इख्तलाफ में रह के चीफ चखा के उनकी जिम्मेदारियाँ भी आप पर नहीं होती हैं, वो आप कर सकते हैं इस दफ़ा भी, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ही खाली हाथ लौट जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत भी ओवर कंफर्टेबल और ओवर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगी अवामी एतबार से? अगर मैं बात करूं क्योंकि शायद इस वक्त कहीं ना कहीं अवाम को कुछ रिलीफ अगर हासिल है तो इस प्रेशर के तहत हासिल है कि खान साहब एक्टिव है, खान साहब को हिमायत ना मिल जाए लोगों की। आज खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं तो शायद अवाम के लिए तो बड़ा नुकसान होगा इस लिहाज से कि एक कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। जो हमारी हुकूमत है, ये जो प्रधानमंत्री का कदम जुड़ा हुआ है, इनके अपनी रुख एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इनकी आंखें नहीं मिल रही होती हैं, अपने अपने मैंडेट पर काम कर रहे थे, इन्हें भी इलेक्शन जीतना है, ये सारी सियासत तो इनको इनके दरमियान होगी। लेकिन मसला ये है कि अगर इमरान खान ये स्ट्रेटेजिकली भी अगर ये करते हैं कि थोड़ा सा बैकफुट पर चले जाएं तो ये अपने जोर में, अपने जोन में अपने ऊपर गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये जोश की फजा में ये अगर खून खराबा कहीं हो जाता है, थोड़ा सा भी हो जाता है, तो अब जो उसका मैंडेट है, जिसका मकसद है, वो तो है दूसरी तरफ चला जाएगा और तमाशा हो जाएगा। और तो ठीक है जाहिर साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं चाहूंगा रिजवान साहब इसके ऊपर फाइनल कमेंट दे दें। रिजवान साहब आप फाइनल कमेंट दे दें कि जानवी साहब ने जो गुफ्तगू की, साकी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा उसको समराइज करते हुए आपको क्या नजर आ रहा है, फाइनल कमेंट दे दें प्लीज इसके हवाले से। देखें अभी अभी आप ये एक नतीजा अखज नहीं कर सकते कि लॉन्ग मार्च
कि क्या तादाद होगी लोगों की, कितनी पार्टिसिपेशन होगी। ये एक इनिशियल स्टेज है, हर बंदे को पता है, इस आवाम को पता है कि खान साहब 4 तारीख को 4 नवंबर को पहुंचेंगे। आपको पता है हम लोग तो फ्लाइट के लिए भी जब जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि 15 मिनट ही रहें और जहाज में सवार हूँ। तो मेरा ख्याल है आप मेरा पॉइंट समझे होंगे कि लोग इस बात का इंतजार। जवान साहब एक सवाल बड़ा अहम है कि इस्लामाबाद पहुंचने पे वजीर दाखिला साहब राणा सनाउल्लाह साहब की जानिब से अगर किसी किस्म की रुकावटें खड़ी की गई या आवाम में कुछ इस तरह हुआ कि इंतजार पैदा हुआ, तो ये लॉन्ग मार्च यकसर तब्दील हो सकता है, इसका मूड बदल सकता है। अगर अगर आप देखें कि कितने 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 आप जो है ना वो पुलिस एहलकार बुला सकते हैं, आप कितने लोग बुला सकते हैं, अगर एक मास गैदरिंग हो गई तो हुकूमत खुद भी टकराव से बचेगी, क्योंकि हुकूमत को इस बात का पता है कि अगर मास गैदरिंग हो गई और इसके अंदर खून खराबा हो गया तो उसको कंट्रोल करना और उसके सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत को ही जो है ना वो बर्दाश्त करना। साकिब साहब फाइनल कमेंट दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है कि इस्लामाबाद पहुंचने पर क्या होगा, यहाँ पे काफिले का साइज यकीन तौर पे मैटर करेगा जिस इस्लामाबाद की सूरत हाल के ऊपर, लेकिन अगर रुकावटें खड़ी की गई और जिस तरह से माजी में देखा गया कि शेलिंग की गई, इस बार तो ड्रोन्स का भी मामला सामने आ रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ये सब अगर हुआ और हमने देखा कि माजी में हुकूमतों ने खुदकुशियां भी की हैं इस तरह से कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट को मुश्तैल किया फिर उनकी हुकूमत को के लिए मुश्किल पैदा हुई, अगर ये सब हुआ तो होने के इम्कानात क्या है और उसका रद्दे अमल क्या होगा? देखिए जैसे अभी एक दोस्त ने भी कहा कि पहला कदम आपको बता देता है कि आपकी मंजिल तक कितने लोग आपके साथ शामिल होंगे। जांगी साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, जांगी साहब आपकी तरफ आता हूँ, जांगी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, साकी साहब से मुझे फाइनल जवाब लेने जी। साकी साहब उसमें ये है कि जैसे अभी दोस्त ने कहा कि पहला आपका जो कदम होता है ना, आप जब लीडर किसी काफिले में शामिल हो जाता है तो वो किसी काफले को लीड करेगा ना, 15, 20, 40, 50 या मैं कहता हूँ 200 गाड़ियों को तो लीड नहीं करता है ना, वो लीडर्स हैं, वो नेशनल लेवल के हैं, इतने तो वो दर्जा चारम के ही हैं। जैसे माजी की कौमतों पे पटवारियों का जिक्र करते हैं, वो पटवारियों को कह देते तो इतने ज़्यादा इससे ज़्यादा जो है वो बंदे नज़र आ जाते। 4 नवंबर दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से साकी साहब की आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन था, लेकिन तौर पर जो मौजू है बड़ा अहम है और ये इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इस वक्त तरीके इंसाफ की जानिब से साकी साहब आपको आवाज़ आ रही जी मुझे आवाज़। सर आप अपना जवाब मुकम्मल कर ले, आपकी आवाज़ कट गई थी। मेरे कहने मैं बात कर रहा था कि मेरे नज़दीक उसे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि पहला कदम अगर मजबूत होता और कुछ काफिले में हमें गाड़ियाँ लोग नज़र आते, गाड़ियाँ नहीं चेहरे भी नज़र आते, नुमाया चेहरे भी नज़र आते, तो हमें उम्मीद थी कि इस काफिला अब चला है तो इसके साथ और लोग शामिल होंगे और 4 तारीख का लोग वेट नहीं करते। माजी में हमने देखा है कि लोग एक एक महीना 10-10 दिन पहले सियासी क़यादतें या सेकंड क़यादतें जो है वहाँ पे पहुँच जाती हैं ताकि रास्ते में कोई रुकावटें भी हों तो वहाँ पे चंद कारकुन जो है वो लीडर की मौजूदगी के अंदर नारे लगाने के लिए वहाँ पे जगह को फिल करने के लिए मौजूद हों, ऐसा हमें माजद के साथ अभी नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, किसी आपका जवाब आ गया। रिजवान साहब आप फाइनल कुछ कमेंट करना चाहेंगे? सर मैं कामरान साहब के साथ ज़रूरी नहीं कि मुतफ़िक हूँ, कामरान साहब एक अपने नुक्ता नजर से सोच रहे हैं और कामरान साहब आज इसके स्टार्ट को ही इसका नतीजा समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगे भी हो सकता है वकला शामिल हो जाए, डॉक्टर शामिल हो जाए, आम आवाम शामिल हो जाए, क्योंकि अभी ये लॉन्ग मार्च काफी दूर है, अब वो टाइम नहीं है लोगों के पास के लोग 4 नवंबर तक मुसलसल इस काफिले के साथ साथ चलेंगे, मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा, मुझे एक मास गैदरिंग नजर आ रही है। 4 जागीर साहब फाइनल कमेंट लास्ट मिनट। देखिए आप खुद आप जज बने, आप जो जस्टिफाई करें कि इनकलाब चीन और फ्रांस की तरह का इनकलाब है जिसमें धमके हो, गाने गाए जाएं, आग जाएं, मंजिलें हों और वहां से सफर का आगाज किया जाए, नई नई चीजें का आदत तो समझौता यही कर चुके हैं कि इन्होंने अपना जो ढबी बदलने का ऐलान कर दिया है, इसके लिए पूरा एक इन्होंने बनाया था जो इनको जो फीवर हॉट फीवर जो है उन्होंने दिया था वो उतरता हुआ नजर आ रहा है। अब जब उतरता हुआ नजर आ रहा है तो ये तो आप देख लेना, वो जो आप पूरी मिसाल दुनिया की ले जो इनकलाब आते हैं तो उससे क्या होता है, इनकलाब का जो लोगवी मतलब ये है कि नीचे की काया ऊपर आ जाए, यहाँ तो काया पर ठीक हो गया। जानी साहब प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है, मैं तमाम तरफ अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आज की पैनल डिस्कशन का हिस्सा बने और यकीन तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पाकिस्तान की और मजमूई सियासी सूरतहाल की बात करें तो ये लॉन्ग मार्च इस एतबार से अहम है क्योंकि कहने को यह है कि शायद ये फिल्म का क्लाइमेक्स नजर आ रहा है।
इसका क्लाइमेक्स, इसका ड्रॉप सीन क्या होगा, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इसके बाद मौजूदा हुकूमत की क्या पोजीशन होगी, पाकिस्तान में आने वाले इंतखाबी मराहिल कैसे तय किए जाएंगे, किसके सर इक्तदार का ताज सजेगा या सज सकता है, ये सारी सूरत हाल बहुत हद तक वाज हो जाएगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लम्हा ब लम्हा इस हवाले से अपडेट रखें और बेहतरीन तजिए और तजिए के साथ आपकी खिदमत में पेश होते रहे। उम्मीद करते हैं जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और एक बेहतर एक मुस्तहकम पाकिस्तान की एक जबरदस्त बुनियाद रखी जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उन्हें ज्यादा दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।